नेटफ्लिक्स पे अच्छी एनिमेटेड सीरीज। वेलकम बैक टू चैनल, मैं हूं राज गौरव और आज हम बात करने वाले हैं द लिबरेटर्स के रिव्यू के बारे में कि आपको ये एनिमेटेड सीरीज देखनी चाहिए नहीं, इस वीडियो में बात करेंगे। और टेंशन मत लो, ये वीडियो बिल्कुल स्पॉइलर फ्री होने वाली है, तो आप पहले ये वीडियो देख सकते हो फिर जाके द लिबरेटर्स देख सकते हो। तो भाई नेटफ्लिक्स काफी टाइम से काफी अच्छी अच्छी सीरीज ला रहा है, खासकर एनिमेटेड सीरीज तो काफी अच्छी आ रही है नेटफ्लिक्स पे, और लिबरेटर्स कोई एक्सेप्शन नहीं है। बल्कि मैं कहूंगा अभी तक कुछ एक दो महीने में जो सीरीज आई है नेटफ्लिक्स की एनिमेटेड, उनमें से सबसे अच्छी भी हो सकती है ये। इफ नॉट द बेस्ट, इट वुड बी वन ऑफ द बेस्ट। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, हमारे चैनल पे चल रहा है एक नेटफ्लिक्स अकाउंट का गिव अवे। उसमें पार्ट लेने के लिए वो कुछ नहीं करना, आई कार्ड्स में एक लिंक आ रहा होगा वीडियो का, जाके उसको देखो। उसमें आपको सारे स्टेप समझा रखे हैं, कैसे करना है, क्या करना है, सब आपको वहां मिल जाएगा। जाओ गिव अवे में पार्ट लो और वो फ्री का अकाउंट जीत सकते हो आप भी। तो अब बात कर लेते हैं लिबरेटर की स्टोरी के बारे में। तो ये वर्ल्ड वॉर टू के जो सोल्जर्स थी उनकी कहानी बताती है, यूरोपियन जो सोल्जर्स थे कैसे लड़े, क्या किया उनने, उसके पूरी स्टोरी पे है ये एनिमेटेड सीरीज। अब इसकी कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं, और इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे मर्लिन के हमारे स्टार जेम्स, जिनको ज्वाइन किया है मार्टिन ने, जो ने और रॉस ने। तो क्योंकि एक एनिमेटेड सीरीज है तो स्टार्ट कर लेते हैं इसकी एनिमेशन के बारे में बात करते हैं। और इसका एनिमेशन यार एक नया स्टाइल लेके आया है एनिमेशन में, ऐसी एनिमेटेड सीरीज बहुत कम देखने को मिलती है नेटफ्लिक्स पे। तो शायद ये पहली ऐसी एनिमेटेड सीरीज है इस लुक में, हल्का सा पेस्टल कलर लुक जो देता है और आपको क्या फील दिलवाता है, एक नॉस्टैल्जिक वाली फीलिंग देता है। ऑल दो आप क्योंकि इंडिया से हो, आप उतना ज़्यादा से कनेक्ट नहीं कर सकते एज देशभक्ति भावना में, बट आप अगर इसको सोच समझ के ऐसे देखोगे कि हाँ भाई क्या वैल्यू प्रोवाइड करती है, तो आप इसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे। और मतलब जो आर्ट है ना इसका बहुत ही प्यारा है, और कहीं पे जिटरेश नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि लैग होते हुए चल रहा है ऐसा कुछ आ रहा है, बहुत ही स्मूथ फ्लो किया है एनिमेशन में। तो एनिमेशन डिपार्टमेंट में तो काफ़ी अच्छी सीरीज है ये, और क्योंकि एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है तो यार वो एक टच ऐड कर देती है, और ऐसी एनिमेशन के साथ तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है ऐसी सीरीज को देखने में। बात कर लेते हैं स्टोरी कैसे फ्लो करवाई गई है। तो यार बीच में हल्की सी थोड़ी फास्ट हुई है, बट आई गेस दैट वाज नीडेड टू शो द टेंशन ऑफ वॉर, उसके लिए इसको फास्ट किया गया बीच के दो तीन एपिसोड्स में। बट बाकी टाइम बहुत ही स्मूथ फ्लो हुई है, वही हल्का सा पेसिंग जो तेज़ की गई है मेरे ख्याल से दैट वॉज नीडेड फॉर दैट टाइम ड्यूरेशन, इसलिए इसको किया गया है एंड आई रियली इन्जॉयड इट। तो ओवरऑल पेसिंग में भी मेरे को काफ़ी शानदार लगा ये टीवी शो। अब बात कर लेते हैं वॉइस एक्टिंग की, जो कि एनिमेशन के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एनिमेटेड सीरीज में। एनिमेशन हल्की सी कम ज़्यादा भी चल जाती है, बट वॉइस एक्टिंग अगर आपको इरिटेटिंग लगे ना, कान में चुभे, तो आप देख नहीं सकते। बट यहाँ पे इतनी शानदार वॉइस एक्टिंग की गई है, डायलॉग डिलीवरी क्या की गई है यार, क्या डायलॉग्स लिखे हैं, क्या लाजवाब डिलीवरी की गई है। साथ ही साथ जो साउंड इफेक्ट्स दिए गए हैं पीछे से टू मेक यू फील लाइक एकदम एनवायरनमेंट के फील देने के लिए कि भाई क्या चल रहा है, लड़ाई चल रही है, क्या चल रहा है, पूरी जो फील दी गई है इतना ज़्यादा शानदार उसको क्लब किया गया है ना कि ऐसा लग रहा है इस एनिमेटेड सीरीज को तो बिंज वॉच करना ही बनता है। क्योंकि यार बहुत लोग ना एनिमेशन को अप्रिशिएट करेंगे, साउंड को अप्रिशिएट करेंगे, मतलब वो कभी ये अप्रिशिएट नहीं करते कि सबको एक साथ कितने अच्छे से क्लब करके आपके सामने पेश किया गया है। और इस सीरीज में वो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक भी चीज़ यहाँ पे ऑफ होना तो ये पूरी सीरीज़ का जो मज़ा है वो ख़राब हो जाएगा। क्योंकि ये देखो भाई साउंड इफेक्ट्स पर भी चलनी है, एनिमेशन भी अच्छी होनी चाहिए और डायलॉग्स भी अच्छे होने चाहिए, दम आना चाहिए डायलॉग्स में, तभी वो सोल्जर वाली वाइब्स आती हैं। तो जब सब कुछ मिलेगा तभी सीरीज़ अच्छी लगेगी, और इस सीरीज़ में वो सब कुछ करके दिखाया है, इसलिए इस सीरीज़ को मैं दूंगा 10 में से 9 स्टार्स। आप कितने दोगे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करके जाना, और चैनल पर नए हो आप तो सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो यार, सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वॉचिंग गाइस एंड एज ऑलवेज पीस आउट।